বলা হচ্ছে সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট নিয়ে আসবো, ওটা কি? ওটা ওটা হচ্ছে আরেকটা খুঁড়োর কল। যারা এখানকার নাগরিক আছে, 6 বছরের জন্য তাদের বিদেশি বানিয়ে দেবে, তারপর 6 বছর বাদে তখন ওরা থাকবেও না, তখন নাকি ঠিক করবে কে সিটিজেন হবে আর কে সিটিজেন হবে না। আমি বলছি বাংলায় আপনারা সবাই সিটিজেন, আপনারা সবাই নাগরিক, আপনাদের সকলের অধিকার আছে। बैनर्जी का कहना है कि माइनॉरिटी एक्सट्रीमिज्म से बचकर रही है, अभी ये कम्प्लीटली डिफरेंट स्टांस है। बीजेपी को अटैक करती थी, राइट विंग एक्सट्रीमिज्म की बात करती थी, अब माइनॉरिटी एक्सट्रीमिज्म के बारे में कह रही है। देखिए, ममता बनर्जी को सबसे पहला होना चाहिए जो अयोध्या का जो राम मंदिर हम लोग को हुआ है उसका सपोर्ट करना चाहिए। ममता बनर्जी वोट का राजनीति कर रहा है। ममता बनर्जी जो बोलते हैं वो बांग्लादेशी से क्यों घुसपैठियों लेकर आ रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठी लेकर आ रहा है, रोहिंग्या लेकर आ रहा है, फिर बोल रहे हैं जो ओएसी का जो पार्टी है उसका बंद करो, क्योंकि वो बंद करने से उसका पार्टी का खत्म हो जाएगा। उसका पार्टी ऐसे ही खत्म हो गया, वो सिर्फ ऐसे ही चाहता है कि हिंदू का कुछ थोड़ा सा वोट लेने के लिए, क्योंकि ममता बनर्जी सबसे बड़ा नौटंकी नेत्री है, नौटंकी का मुख्यमंत्री है, वो उसलिए पॉलिटिक्स करता है पूरा समाज में, सोसाइटी लेके। कभी हिंदू समाज में तोड़फोड़ करता है, सरस्वती पूजा नहीं होने देंगे, कभी बोलते हैं राम नहीं बोलना, जय श्री राम नहीं बोलना चाहिए, उसका जितना सारे पार्टी का आदमी है सब बोलते हैं जय श्री राम नहीं बोलना चाहिए, फिर आज बोल रहा है जय श्री राम बोलो, क्योंकि उसका अभी ध्यान आ गया। ध्यान आने से अच्छा हुआ कि कम से कम बंगाल का आदमी हर पर्सन समझ गया कि भाई ममता बनर्जी एक गलती नेत्री है, ममता बनर्जी एक नौटंकी नेत्री है। जो वो माइनॉरिटी एक्सट्रीमिज्म MIM को इशारा करते हुए जो अटैक कर रही है, आपको लगता है कि वो बेसिकली अभी सडनली उनको BJP वाला थ्रेट फील हो रहा है ऑन द ग्राउंड, बिकॉज वेस्ट बंगाल इलेक्शंस आर अराउंड द कॉर्नर? ममता बनर्जी अभी बाई इलेक्शन में 28 तारीख को 25 तारीख को जो वोट है वही में पता चला जाएगा, 28 को जो रिजल्ट है वही में पता चल जाएगा। ममता जी पता चल गया भाई, जो हमको और आदमी पश्चिम बंगाल का जनता और उसको विश्वास नहीं करते, इसलिए वो कभी हिंदू में जा रहा है जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कभी आपका माइनॉरिटी को हटाने का कोशिश कर रहे हैं, उसका सिर्फ एक नौटंकी है, उसका सिर्फ यही है क्षमता। ममता बनर्जी ने राजनीति में पहली बार उन्होंने कहा है कि अल्पसंख्यक कट्टरता को लेकर के सतर्क रहें, इस तरीके की बयानबाजी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, लोकसभा चुनाव में जो झटका लगा उनको, उन्होंने स्लोगान दी थी 42 में 42 जीतेंगे, हम उनको 22 तक ले आए, अब 3 उपचुनाव होना है उसमें भी हम जीतेंगे। ये जो संख्यालघु कट्टरता है उसका परिणाम है कि हिंदू समाज इसका रिएक्ट कर रही है, उसको ठीक से नहीं ले रही और राजनीतिक परिवर्तन हो रहा है। वक्त पड़े बांका तो गधा को कहे काका, अब उनको रिलेज करना पड़ रहा और उसको स्वीकार करना पड़ा। और एक भी एक प्रकार चालाकी है, मुसलमानों को भड़का करके राजनीति किया, अब हिंदुओं को इस प्रकार बहलाने के प्रयास कर रही है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई फायदा होगा। उन्होंने जो उदाहरण दिया है उसमें असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है उसका नाम लिए बिना हुआ उदाहरण दिया है और कहा है कि ऐसे कट्टर लोगों से लोग सचेत रहें, क्या एक राजनीति है इसके पीछे आप देखते हैं? बिल्कुल राजनीति है जी, बिना राजनीति का ममता बनर्जी कोई बातें नहीं करती हैं। और असदुद्दीन ओवैसी कोई पहली बार बोल रही है क्या? हाँ, ये बात सही है कि बंगला बॉर्डर में उनका एक चुनाव में उन्होंने एक सीट भी जीता है बिहार में, लेकिन वो कट्टरता का दिन सोचिए राम मंदिर आंदोलन के समय जो हुआ था उसके बाद भी हुआ था, लेकिन ये जो तथाकथित सेकुलर शक्ति जो सिकुड़ रही है उससे उनको डर लग रहा है कि ज़्यादा मुस्लिम तोषण होने का कारण हिंदू समाज ठीक से नहीं ले रही है और उसका परिणाम हो रहा है, इसीलिए इसको लिपापोती करने के लिए इस प्रकार बातें कर रहे हैं।